कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट नंबर टू, एक एक टॉपिक हमारा रह गया पिछले लेक्चर्स में से, 1.1 के अंदर से, वो है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन, अच्छा रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास क्या होती है? रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि हमारे पास, हम जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, लेट से हमने डेटा कलेक्ट करना है, या हमने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना है, या हमने कोई भी हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करनी है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है। तो हमने उनको डिज़ाइन कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिंक कर देते हैं चार हिस्सों के अंदर। नंबर वन हम बोलते हैं प्लानिंग, प्लानिंग। अब प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का मतलब होता है कि वेयर द रिसर्चर डिसाइड्स ऑन हाउ स्ट्रेटेजी सच एज व्हाट रिसर्च एंड हाउ टू रिसर्च इट, ऑन व्हाट टॉपिक, ऑन व्हाट टॉपिक, ऑन व्हाट टॉपिक देयर शुड बी रिसर्च, देयर शुड बी एंड देयर शुड बी एंड हाउ शुड बी और हाउ शुड बी हाउ शुड वी हैव टू कंडक्ट स्टडी। ये हमारे पास आ गया प्लानिंग का। प्लानिंग के अंदर रिसर्चर ने डिसाइड करना होता है किस टॉपिक के ऊपर और किस तरह से हमने स्टडी जो है वो कंडक्ट करनी है। नंबर सेकंड, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हमने जितनी भी डेटा की बात की कि हमारे पास इस किस्म का डेटा है और ये हमारे पास कलेक्शन मेथड है, या पहले से डिसाइड करते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से और किन रिसोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करनी है। हमने आइडेंटिफाई करने हैं सैंपल्स को, ये मैं अभी आपको बताता हूँ सैंपल्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाई करने हैं हमने सैंपल्स को, हमारे पास जितने भी डेटा कलेक्शन मेथड, जैसे हमने अभी बात की क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, फिर प्रोसेस की बात की डेटा कलेक्शन प्रोसेस की, कि हमारे पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं और हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं। तो ये आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आपने जो स्टडी यूज़ करनी है या जो भी आपने चीज़ें डेटा कलेक्शंस के लिए आपने यूटिलाइज करनी है, तो वो आप कहाँ कहाँ से और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, ये भी आप कह सकते हैं आपका एक प्री प्लान्ड होता है जो कि आप ऑलरेडी डेवलप करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है वो होता है एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर क्या है, आप डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं, आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेशन या रिग्रेशंस, तो आपने इसकी इंटरप्रिटेशंस करनी है और वो किस तरह से करनी है, कौन कौन सी मेजरमेंट्स आपने यूटिलाइज करनी है। अगेन आप ये भी कह सकते हैं इसको हम एनालिसिस बोलते हैं या डेटा प्रोसेस बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने स्टडी करने से पहले ही डिसाइड करनी होती हैं। लास्ट हमारे पास नंबर फोर जो रिसर्च डिजाइन के अंदर जो चीज आती है वो हमारे पास आता है एवेल्यूएशन। आपने पहले से ही स्टडी को इवेल्यूएट कर देना है कि कौन सा जो रिसर्च या कौन सा जो मेथड है, आपने लास्ट टाइम एवेल्यूएशन मतलब आप उसको रीचेक कर रहे हैं, रीमॉनिटर कर रहे हैं, एंड देन यू विल यू कैन से इट्स अ फाइनल डिसीजन स्टेज जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि हमने इन इन रूट्स के थ्रू या इन इन वेज के थ्रू हमने स्टडी जो है वो कंडक्ट करनी है। अभी हमने जितनी भी बातें की इसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन के अंदर मैंने एक टर्म यूज की थी जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अच्छा मैं एक सेकेंड, एक पहले वर्ड लिख लूँ। हमारे पास है कलेक्टिंग डेटा। अब कलेक्टिंग डेटा का क्या मतलब है, आपने जो कि डेटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लेट्स से फ्रॉम डॉक्टर्स, आप कोई भी ऐसी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जहां आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर्स डॉक्टर से। अब चूंकि डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप पर्सनली सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप एक सैंपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सैंपल। लेट से मैं कहता हूं कि हमारे पास तकरीबन 10 लाख डॉक्टर्स हैं। अगर 10 लाख डॉक्टर्स हैं तो आप 10 लाख के 10 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि 1000 डॉक्टर से डेटा कलेक्ट करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा ओके, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बाकियों के ऊपर आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। जैसा ये बिहेव करेंगे आप कहेंगे बाकी डॉक्टर्स भी वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एक चम्मच वगैरह चखने के लिए कि इसका जायका कैसा है, कोई नमक वगैरह ज़्यादा है या कम है, उसकी बेस पे आप कहते हैं कि सारे का सारा जो खाना है उसके अकॉर्डिंगली बनाए। तो आप ये कह सकते हैं वो आपने एक सैंपल टेस्ट किया है। सेम जस्ट लाइक स्टडी, हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं जो कि फिर प्रेजेंट करते हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन को। आप कह सकते हैं ये हमारी पूरी एक कंप्लीट पॉपुलेशन है जो कि हमारे पास 10 लाख डॉक्टर्स थे। आपने उसमें से एक छोटा सा सैंपल लिया है, उस सैंपल की बेस पे आप देखेंगे, और ये आप ये कह सकते हैं ये जो लोग हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैंपल हम क्यों बनाते हैं? सैंपल इसलिए बनाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इज़ अ ह्यूज वन, तो आप पर्सनली सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं एक सैंपल्स बना देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में आप एक ग्रुप्स बना देते हैं जिनके ऊपर आप स्टडी करते हैं, और फिर वही स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं आप बाकी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब सैंपल्स में हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स हैं, डिफरेंट फ्रेम्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है? रैंडम सैंपलिंग का ये मतलब होता है कि सबके इक्वली चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, या आप किसी को चूज करते हैं तो 50-50% सबके चांसेस होते हैं। लेट से अगर आप क्लास में बैठे हैं और बाहर से कोई टीचर आया और उसको कोई काम है, तो अगर आप क्लास की स्ट्रेंथ लेट से अगर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो रैंडमली किसी को भी बुला सकता है। तो अब वो चूँकि रैंडमली किसी को बुला सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 50-50% सबके चांसेस हैं टीचर आके क्लास में किसी को भी बुला सकता है। इसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। नंबर सेकंड हमारे पास है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग का एक प्रॉपरली फॉर्मूला होता है जो कि आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है। लेट्स से अगर आप एक स्ट्रीट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस स्ट्रीट्स में है टोटल 20 घर, कितने एक स्ट्रीट के अंदर कितने तकरीबन 20 हाउसेज हैं, और आपने डेटा रैंडमली कलेक्ट करना है। लेट्स से आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं 5 लोगों से, 5 घरों से आपने डेटा कलेक्ट करना है, और टोटल स्ट्रीट्स के अंदर है 20 घर। अब चूंकि आप थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक वे या सिस्टमैटिक अप्रोच आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले 4 घरों से डेटा कलेक्ट कर लें और आप कहेंगे बाकी जो 16 रिमेनिंग है, या पहले 5 से ले लें और बाकी 15 जो है वो ऐसी हैं। अब आप क्या करें, आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे अपनाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पहले घर से डेटा लेना है और उसके बाद 4 घर स्किप करने के बाद फिर 1 घर से लेना है, फिर स्किप करने के बाद 4 घर स्किप करने के बाद फिर नेक्स्ट से लेना है, फिर स्किप करने के बाद 4 घरों के बाद फिर लेना है, और फिर स्किप करने के बाद 4 घर स्किप करने के बाद आपने फिर डेटा ले लेना है। अब यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये एक सिस्टमेटिक वे है। अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो इसका भी प्रॉपरली फार्मूला है कि आप सिस्टमेटिक वे किस तरह से लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ रैंडम बट नॉट अ रैंडम। आप रैंडम के ऊपर भी कुछ फार्मूलाज अप्लाई करके उसको सिस्टमेटिक वे बना देते हैं। एक वे हमारे पास ये है, एक तो रैंडम है। अब अगर मैं रैंडम की बात करूं तो 20 घरों में से सबके इक्वल चांसेस है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आप किसी से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि सिस्टमैटिक वे में अब एक प्रॉपरली थ्रू सिस्टम जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पहले घर से आपने डेटा लिया, फिर 4 घर जो है वो आपने स्किप किए, फिर 5वें नंबर पर लिया, फिर 4 घर स्किप कर दिए, फिर 10वें से लिया, अगेन आपने 4 हाउसेस स्किप कर दिए, फिर 15 से लिया, अगेन 4 हाउस स्किप करने के बाद आप 20 से ले रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा, फिर हमारे पास जो थर्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स आती है वो हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। अब डिवाइड आप कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट वन सेकेंड, आप लेट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी एक क्लास से। अब वहां पर हम जस्ट सपोज कर लें वहां पे 30 मेल हैं और 20 फीमेल है, तो 50 की स्ट्रेंथ है एक क्लास की। अब आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो आप डेटा कलेक्ट करते हुए आपने क्या कर दिया, आपने जो वो मेथड था सैम्पलिंग का आपने उसको स्ट्रेटिफाइड कर दिया। स्ट्रेटिफाइड कैसे करते हैं कि आपने 50 लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, आपके पार्टिसिपेंट की स्ट्रेंथ थी 50, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आउट ऑफ 50 30 जो है वो मैन है, 20 जो है वो फीमेल है। अब आपने क्या किया, आपने डेटा को, आपने सैंपल को क्या किया, आपने स्ट्रेटिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऐसे ही है जैसे आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, आप लेट से कहते हैं कि अगर आपकी, अगर आप की एज है लेट से 80 to 25 और 26 to 40, तो आपने रिस्पोंड करना है। अब हम ये चीज़ें क्या करते हैं, हम इससे जो अपना सैम्पलिंग है हम उसको स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये अंडर 18 है, ठीक है। अब जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है, लेट से आपकी, ये हम ए लेवल की बात कर लेते हैं, तो ए लेवल के अंदर लेट से आपकी 100 की स्ट्रेंथ है किसी एक कॉलेज की। अब आप इसको स्ट्रेटिफाइड कैसे करेंगे, अपने आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कहेंगे जिसमें से आपके लेट से 40 जो हैं वो सीनियर्स हैं, 30 जो हैं वो जूनियर्स हैं, और लेट से 10 जो हैं, या मैं इसको भी 30 कर, 30 वो हैं जो कि न्यू कॉमर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। तो कुछ अरसे बाद ये जूनियर्स हो जाएंगे सीनियर्स। अब ये जो भी आपने इनके साथ टैग्स लगाए ये आपने स्ट्रेटिफाइड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है रिसर्च डिजाइन के अंदर और सैम्पलिंग के अंदर? क्लियर है, ओके। उसके बाद जो हमारा कंसर्न टॉपिक था वो था अप्रोचेस टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च। हमारे पास अप्रोचेस कौन कौन सी होती है, हम कौन कौन सी स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं? हमारे पास नंबर वन आती है केस स्टडी। आप केस स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। केस स्टडी एक डिटेल्ड स्टडी होती है, डिटेल स्टडी जो कि आप जिसमें अपनी, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च आपने की है या किसी, डिपेंड करता है रिसर्च के सिनेरियोज के ऊपर, तो वहाँ पर आप स्ट्रेंथ बनाते हैं, आप वीकनेस बनाते हैं, या फिर यह कि आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो गई है ड्यू टू एनी रीज़न, उसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है कि क्यों फेल हुई है, या किसी ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स लिए हों तो उसके ऊपर केस स्टडी हो सकती है कि इसने अचीवमेंट किस तरह से हासिल की हैं। फिर हमारे पास आता है सोशल सर्वेस। अप्रोचेस के अंदर जो सेकंड आता है वो हमारे पास आता है सोशल सर्वेस। सोशल सर्वेस के अंदर हमारे पास एक आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का मतलब होता है कि जहां पर, फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च मैथड फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स दैट शेयर ब्रॉड सिमिलरिटीज सच एज लेवल ऑफ एजुकेशन एंड मेजरिंग द डिफरेंस इन अ सिंगल वेरिएबल वेदर, फॉर एग्जाम्पल, पीपल विद अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हैव अ हाई रेट्स ऑफ सुसाइड देन दोज विद अ लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन। क्रॉस सेक्शन सर्वे कौन सा होता है कि आपने डेटा लेना है मोर देन वन पीपल, मोर देन वन पर्सन, और वो मोर देन वन पर्सन कौन कौन होंगे जो कि सिमिलर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर से डेटा ले रहे हैं, अब वो डॉक्टर्स ही हों दोनों, ये ना हो कि एक डॉक्टर हो एक टीचर हो। अगर आपने डेटा लेना है तो आप सिमिलर लोगों से लेंगे
अगर आप एक ही पर्सन से लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल नहीं होता। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या है कि व्हेन यू कलेक्ट द डेटा मोर देन वन पीपल, तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान चूंकि आपका रिस्पोंडेंट एक है तो आप इसको क्रॉस सेक्शनल नहीं बोल सकते। अगर आप कहते हैं हम पाकिस्तान के सिटीज से डेटा कलेक्ट करें, इसका मतलब है आपके रिस्पोंडेंट जो है वो एक से ज्यादा हो गए। जब भी आपके रिस्पोंडेंट एक से ज्यादा होते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म स्टडी कंडक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2018 से लेकर या 2014, अब चूंकि एक लेट से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और 2018 से लेके 2014 से 18 पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई और कब तक 2022 तक, फिर 2022 से ऑनवर्ड लेट से 2023 तक फिर एन ली की गवर्नमेंट आ गई। अब हम क्या करें? आप इकोनॉमिक्स या आप ये कह सकते हैं कि आप जीडीपी देख रहे हैं कि किसकी गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन लेवल था पाकिस्तान के अंदर या जो इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी वो किसकी गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा कर रही थी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप तीनों गवर्नमेंट्स का कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जब भी आप कंपेरिजन करते हैं जहाँ पर आप डेटा एक साल से ज़्यादा का ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। बात समझ आती है यहाँ तक? सर आती है। ओके अच्छा, इसके बाद हम एक दो छोटी छोटी टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। एक है हमारे पास है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म, अब पॉजिटिविज्म का क्या मतलब होता है? पॉजिटिविज्म का मतलब होता है फैज कि जब भी कोई प्रोसेस आपको साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने पे कंपेल करे या फोर्स करे हम उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म, इट इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल टू स्टडी द सोशल बिहेवियर यूजिंग अ सिमिलर मेथड टू दोज यूज्ड व्हेन स्टडीइंग अ नेचुरल वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, सोशियोलॉजी कैन बी लाइक अ साइंस। वी कैन एग्जामिन दिस बिलीफ बाय आइडेंटिफाइंग सम ऑफ इट्स की आइडियाज, बिगिनिंग विद द आइडिया दैट सोशल सिस्टम आर मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, अब पॉजिटिविज्म क्या है कि आपने कोई भी चीज़ें मेजर्स करनी है तो आप क्या करते हैं? आप साइंटिफिक मेथड यूटिलाइज करते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड आप हमारे पास कौन कौन से हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के बिलीफ मेजर कर रहे हैं, आप करेंगे कि आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे उनसे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है? अब या तो क्रॉस सेक्शन स्टडीज कर रहे होंगे या फिर आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कर रहे होंगे। ये जितने भी प्रोसेस हमने बताए ये सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं साइंटिफिक मेथड्स। तो कोई भी आप स्टडी साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के बाद एक और हमारी टर्म है जो कि इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म चूंकि फर्स्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं तो मैं फिर भी इसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इंटरप्रेटिविज्म क्या है हमारे पास। अच्छा, जब हम पेपर्स के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं आपको पेपर सॉल्व करते हुए बता दूंगा कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैं चूंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको इन चीज़ों के अंदर नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ इतना लेके जा रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर हो कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है। और मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना पेपर में ये आते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिटेल्स में आती हैं तो वो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसी हैं जो कि जस्ट एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती है पेपर्स के अंदर, तो कोई खास आपने डिटेल्स नहीं देनी होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई अगर आपके सामने टर्म्स आती है तो आपको जस्ट आइडिया हो कि इसका इस बात का मतलब क्या है, ठीक है? तो आपने ये नहीं कहना कि मैं किसी चीज़ के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा। तो डिटेल में सिर्फ उन चीज़ों में जा रहे हैं जहाँ पे पेपर्स भी आपका डिटेल में जाएगा। जो एग्जामिनर आपसे डिटेल मांगेगा वो हमने डिटेल में किए हैं, जो डिटेल में नहीं मांगता उसको हम जस्ट रैंडमली लेके जा रहे हैं ताकि अगर
पेपर में कोई टर्म यूज होती है तो आपको एटलीस्ट पता हो इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, इंटरप्रेटिविज्म क्या है? इंटरप्रेटिविज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन अट्रैक्ट टूवर्ड्स ह्यूमन, ह्यूमन अट्रैक्ट टूवर्ड्स ह्यूमन, फैज आप, आपको कोई सेलिब्रिटी अच्छी लगती है? कौन सी? कोई भी, एक्स वाई जी, आप मुझे बता दे, कोई स्पोर्ट्स से हो सकता है कोई। सर इमरान खान। क्यों अच्छा लगता है? सर वो सच्चा है, झूठा नहीं है। ओके अच्छा, अगर वो जो बात करे आप उसको फॉलो करेंगे? जी सर। ओके अब ये हमारे पास इंटरप्रेटिविज्म है। इंटरप्रेटिविज्म क्या है कि ह्यूमंस के अंदर इतनी एबिलिटी होती है टू इंस्पायर अदर पीपल, इसी बात को हम इंटरप्रेटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल दूं तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्या मैं बोल रहा हूं किसकी एग्जांपल दे रहा हूं? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अगर आप जाएं तो एक एक बहुत काफी टाइम के बाद भी लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ एबिलिटीज ऐसी थी जो गॉड गिफ्टेड आप कह लें या उनकी अपनी खुद डेवलप की हुई इस तरह की एबिलिटीज थी कि लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिस पर्सन एट द पीक ऑफ इंटरप्रेटिविज्म, इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों के अंदर वो एबिलिटीज होती है जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की, तो आप देखेंगे फैमिली के जो भी रूल्स हैं बेसिक रूल्स वो भी इन्हीं के बताए होंगे। अगर आपने गवर्नमेंट चलानी है तो गवर्नमेंट के रूल्स भी इन्होंने बताए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जिसकी एबिलिटी होती है जो बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट कर सके, हम इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिविज्म। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस करना है हमारे पास है रिसर्च इश्यूज। रिसर्च के अंदर हमारे पास इश्यूज कौन कौन से आते हैं? हमने जितनी भी चीजें देखी अभी तक कि हमारे पास फ्रेमवर्क कौन से हो सकते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, हमने डेटा टाइप्स देखी, डेटा कलेक्शन मेथड। अब इन सारी चीजों के ऊपर जो कॉमन सी डिस्कशन है वो हमारे पास आते हैं इश्यूज। हमारे पास इश्यूज कौन कौन से आते हैं? नंबर वन हमारे पास आता है वो आते हैं टॉपिक इश्यूज। मैं आपसे कहता हूं कि आप स्टडी कंडक्ट करें, कोई भी रिसर्च करें, आपका सबसे पहले जो कंसर्न होगा वो होगा किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूं, टॉपिक है कौन सा। अब वो टॉपिक क्या वाकई वो टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर स्टडी की जाए या ना की जाए, या बाज का होता है कि जो रिसर्चर है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। अब वो चूंकि पर्सनल इंटरेस्ट होता है तो आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप स्टडी टॉपिक वो चूज कर लेते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। तो टॉपिक इश्यूज सबसे बड़ा इशू होता है रिसर्च के अंदर। हम जब भी रिसर्च करते हैं या स्टडीज करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू आता है हमारे पास वो होता है टॉपिक इशूज। नंबर सेकेंड हमारे पास आता है चॉइस ऑफ मैथड। अब हमने जितने भी ऊपर मैथड डिस्कस किए, चाहे वो डेटा कलेक्शन के थे, चाहे वो स्टडीज के थे जैसे क्रॉस सेक्शन थी, लॉन्गिट्यूडनल थी, अगेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि विच वन इज बेस्ट। माइट बी पॉसिबल आप स्टडी कोई और है और आप मेथड कोई और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि सारी की सारी स्टडी इफेक्ट हो जाती है। हम चूंकि इश्यूज की बात कर रहे हैं तो टॉपिक इश्यूज वन थिंग, चॉइस ऑफ मेथड इज द सेकेंड थिंग, फिर हमारे पास नंबर थर्ड आता है वो आता है लीगल कंसिडरेशन। अब लीगल कंसिडरेशन कहां पे होती है? जहां पर हमने पार्टिसिपेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ हमने कोवर्ट पार्टिसिपेंट्स पढ़ा, कुछ ओवर्ट पढ़ा, इन सारी सिचुएशंस के अंदर कुछ लीगल कंसिडरेशंस भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपका कह सकते हैं रूल्स एंड लॉ या गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। तो वहां पर क्या है कि आपके लिए सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि आप डेटा कलेक्ट कैसे करें या लीगल कंसंट्रेशन या लीगल को कंसिडर कैसे करें, इन सारी चीजों को भी फिर आपने लुक आफ्टर करना होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि रिसर्च के अंदर इट्स अनदर रीजन। फिर हमारे पास है
नंबर फोर्थ पे वो हमारे पास है एथिकल प्रैक्टिसेस। अब एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया था स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ पूछ लेते हैं जो कि पार्टिसिपेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैन से तो पूछे जा सकते हैं बट फीमेल से आप नहीं पूछ सकते। तो यहाँ पर क्या है कि एथिकल इश्यूज जो है, जो एथिकल डायलेमा वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाता है। या जैसे मैंने आपसे बोला कि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या था कि पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होता कि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि एथिकल कंसर्न बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जो कि रिसर्च जब हम स्टडी जब भी कंडक्ट करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा था, वो मैं आपको यहाँ पे बता के इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। पहले वैलिडिटी, ये वर्ड आपने जरूर याद रखना है और आपने हर जगह ये वर्ड यूज करना है। जब भी मैं आपको कोई भी चीज देता हूँ, कोई भी असाइनमेंट देता हूँ, तो आपने ये वर्ड मस्ट माइंड में रखने हैं, ठीक है। एक है वर्ड वैलिडिटी और एक है वर्ड हमारे पास रिलायबिलिटी। अब वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्च मेथड, और यू कैन से मयर व्हाट इट क्लेम्स टू डिस्क्राइब और मयर। अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? रिलायबिलिटी की मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ। द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसर्च अप्रोच इन जनरेटिंग द कंसिस्टेंट डेटा। रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट डेटा एंड दे विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन द डेटा प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल, हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं लेट से, और हम उनका वेट मेजर करना चाह रहे हैं कि उनका वेट कितना है, ठीक है। अब मुझे फैज आप ये बताएं कि हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स का वेट मेजर कर रहे हैं, कुछ का 45 है, कुछ का 55 है, कुछ का 65 है, कुछ का 75 है, 85 लेट से 105, 45 से लेकर 105 तक इनके वेट आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल कि एक बच्चे का जो वेट है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स का वेट जो कि 45 से स्टार्ट होकर 105 तक जा रहा है, और उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी सेम है, तो आपको लगता है कि इनका वेट में इतना डिफरेंस होगा? सर फिजिकल अपीरेंस सेम नहीं हो सकती ना फिर? नहीं हो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मान लें कि फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है लेकिन आप जब वेट उनका काउंट करते हैं तो किसी का 45 आ रहा है, किसी का 105 आ रहा है, आपके माइंड में क्या चीज आएगी? सर, तो नहीं, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है, अगर 45 से स्टार्ट हुआ है और 45 से लेकर लेट से हम कहें कि ये 55 तक चला गया है, फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 105 नहीं हो सकता। अब है क्या, लेट से मैं कहता हूँ अब हमने डेटा ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये 45, लेट से ये 50 की लाइन है, कुछ 55, कुछ 46, कुछ 54, इस तरह हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं फैज के, आपको ये जो डेटा ड्रॉ हुआ नजर आ रहा है, ये मान लें दरम्यान में 50 की लाइन है, तो 50 के आसपास आ रहे हैं, कुछ लोग अंडर 50 हैं, कुछ अबव 50 हैं। अब ये जो स्पेस है या ये जो हमने डेटा ड्रॉ की है, अब ये किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर सकता है। जी सर, दर सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन के डेटा जितना क्लोज रहेगा या डेटा आपस में जितनी क्लोजनेस होगी, हम बोलते हैं डेटा इज रिलायबल। आप ये कह सकते हैं डेटा इज कंसिस्टेंट। अब डेटा जब कंसिस्टेंट है, हाँ, अगर डेटा इस तरह से होता, ये लाइन है 50, कुछ डेटा यहां था, कुछ यहां था, कुछ यहां था, कुछ यहां, यहां, अब ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, समझ रहे? ये हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है, ये प्रॉपर डेटा है, इसको हम बोलते हैं डेटा रिलायबिलिटी।
वो डेटा जिसके ऊपर आप रिलायबल कर सकें, जो बिल्कुल क्लोज हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ही पैदा होता है वैलिडिटी क्या है। अब वैलिडिटी क्या होगी, अब मान लें आपने वो जो डिवाइस यूज की थी जिससे आप वेट काउंट कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ फैज आप उसके ऊपर अपना वेट काउंट करें, तो मैं कहता हूँ लेट्स से वो 60 शो करवा रहा है, ठीक है, और अगर उसी के ऊपर आपने लेट्स से एलिफेंट या हाथी भी खड़ा कर दिया, उसका वेट भी 60 आ रहा है, आप मुझे क्या कहेंगे? तो सर मशीन खराब है। मशीन खराब, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है वैलिडिटी का मसला है। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप डेटा देखने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट में मसला है, इसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। अगर तो वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है फिर तो डेटा आप कह सकते हैं कि वैलिड है। रिलायबल क्या है कि रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए। अब रिजल्ट कैसे एक जैसे, किस तरह से एक जैसे आ सके? एक इंसान का भी वेट 60 है और एक हाथी का भी वेट भी 60 है, तो डेटा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। समझ रहे ना? ये जो टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपने माइंड में रखनी है कि वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। मैंने ऊपर कई दफा वर्ड यूज किया है कि रिलायबल, डेटा रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि डेटा क्लोज होना चाहिए, करीब करीब होना चाहिए, ये ना हो कि डेटा जो है वो बहुत ज्यादा आपस में गैप्स हो। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर्स की, 5 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो आप टीचर्स के रिव्यूज ले रहे हैं, एक कहता है कि टीचर बहुत अच्छा है और दूसरा कहता है सर टीचर बहुत ही बुरा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इशू है। कम से कम अगर एक ने बोला है अच्छा है तो दूसरा कहे हाँ सर अच्छे हैं, तो ये सम हाउ रिजल्ट जो है ना वो मिलते मिलते नजर आते हैं, क्लोज नजर आते हैं। जब भी रिस्पॉन्स क्लोज होता है हम कहते हैं डेटा इज रिलायबल।